हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त करणदीप फ्रॉम फ्लोरामल्स जलंधर। आज हम सनशाइन थर्मल कैमरे TB03 की अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग करने के बाद इसको फिटिंग कैसे करते हैं, फिटिंग करने के बाद इसको पीसी से कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको इसका सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, उसके बाद इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो भी बताया जाएगा। और वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं इसमें से क्या निकलता है और शुरू करते हैं। ये इसकी एलकी और ये इसके स्क्रू हैं, ये लेग है, ये इसका थर्मल कैमरा है, इसमें से देखते हैं क्या निकलता है। ये इसका DC अडैप्टर है, ये इसकी लैन केबल है, ये इसका बेस प्लेटफॉर्म है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जिस पीसी में जाओगे, जिस पीसी में जाके आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे ओपन करना है। नेटवर्क शेयरिंग क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पर आप करोगे चेंज अडेप्टर सेटिंग पे जाके क्लिक करोगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है आपका, एक वाईफाई का और एक। तो मैंने क्या किया है कि मैंने वाईफाई के साथ पीसी को कनेक्ट कर दिया है और एथरनेट के ऊपर हमने इसको कैमरे को सेट कर दिया है। तो एथरनेट को आप क्लिक करोगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे। प्रॉपर्टीज में जाके आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP और IPv4। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको भरना है 192.168 और IP एड्रेस में, और यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 31 और सबनेट मास्क में लिखेंगे 255.255.255 और उसके बाद 0। डिफॉल्ट गेटवे भी आप लिखेंगे 192.168 उसके बाद 2 फिर 1 और इसको यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी ऐसे ही ऑटोमेटिक लेके क्लिक नहीं करना है बिल्कुल भी। उसके बाद आपको यहाँ से इसको ओके कर देना है और इसको भी ओके कर देना है और इसको क्लोज कर देना है। दैट्स ऑल, इतनी सेटिंग है इसकी भाई। दोस्तों इसको यूज करने का तरीका आपको बता रहे हैं।
ये पीसीबी को आपने यहाँ पर थर्मल कैमरे के नीचे रख दिया है और इस तरफ आपका टेम्परेचर लेवल है। आप टेम्परेचर को दो जगह पर सेट कर सकते हो, इसका हाई लेवल और इसका लो लेवल। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक आप इसको ले जाना चाहते हैं मैक्सिमम, वो ऐसे होगा। यहाँ पर आपको ये तो पहले टेम्परेचर मेजरमेंट पे आप क्लिक करो और यहाँ पर आप सीक पे जब क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर आप इसका टेम्परेचर जो है वो सेट कर सकते हो कि आप कौन से लेवल की टेम्परेचर की हीटिंग आप सेंस करना चाहते हो। तो जैसे आप ज़्यादा डाउन करोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर आप इसको इस तरीके से करोगे यहाँ पर, और जैसे ही इसके अंदर हीटिंग होगी तो ये हीटिंग सेंस करेगा। इसका हायर लेवल भी आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके अंदर अगर आपको पीसीबी को बिना नीचे से हिलाए हुए मूव करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये स्विच यहाँ पर दे रखे हैं, ये देखिए, लेफ्ट साइड मूव करने के लिए, राइट साइड मूव करने के लिए, और ये अप मूव करने के लिए, और ये यहाँ से डाउन करेंगे, और यहाँ से हम लोग रीसेट भी कर देंगे एक बार। तो ये जो यहाँ पर ये साइन दिखा रहा है ये रेड कलर का, ये आपको टेम्परेचर मेजरमेंट बताएगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक किया उसकी वजह से ये रेड साइन आ रहा है, जहाँ से भी टेम्परेचर हाई होगा ये रेड क्रॉस वहाँ पे चला जाएगा। तो इसके अलावा अगर आपको कैप्चर करना है तो आप फोटो यहाँ से क्लिक कर सकते हो, रिकॉर्डिंग करनी है वीडियो तो यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप। अगर आपको इसको नॉर्मली देखना तो ये थर्मल इमेजरी से हटा के इसको विजन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका पीसीबी यहाँ से नज़र आ जाएगा। और एक दोस्तों इसमें स्पेशल फीचर आपको मुझे बताना है, जब आप इसको फर्स्ट टाइम सेट करते हो तो मुझे ये सेट करना पड़ा था, मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है इसको। तो आप जैसे हम लोग अपने माइक्रोस्कोप के कैमरे को फोकस करते हैं तो इसको भी फोकस कर सकते हैं हम लोग इसका, क्योंकि ये कभी कभी ये ब्लर होता है। तो इसको फोकस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये थर्मल कैमरे के नीचे दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, ये एडजस्टमेंट एक सर्कल लगा हुआ है, इससे आप हल्का हल्का मूव करके इसको इस तरीके से इसका फोकस जो है वो सेट कर सकते हैं। ये इस तरीके से घूम के सेटअप हो जाता है, मैंने सेटअप कर रखा है ऑलरेडी। इससे ये किस तरीके से पीसीबी ज़्यादा ब्लर आ रहा है या उसकी शार्पनेस कैसे हम लोग को चेक करनी है वो सारा कुछ हम यहाँ से देख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सेटअप ऑलरेडी कर रखा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल इसको प्रॉपर सेटअप कर दिया है। तो आप इसको सेटअप कर दोगे तो कंपोनेंट्स आपको थोड़े से बहुत ही क्लियर नज़र आ जाने शुरू हो जाएंगे। और इसी तरीके से जैसे आप इसको थर्मल पे करना चाहते हो तो फिर थर्मल इमेजरी पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर इस तरीके से आ जाएगा। टेम्परेचर का मैंने आपको बता दिया है, इसमें तीन चार फीचर हैं, यहाँ पे वाइट कर सकते हो, यहाँ पर इसको हॉट पे कर सकते हो, और यहाँ पर रेनबो पे कर सकते हो। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ इसको। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो देखिए ये रेनबो कलर आ गए हैं, और यहाँ पर इसको हॉट पे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो आप तीनों तरह से कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। और टेम्परेचर का मैंने आपको बता दिया, ये हायर लेवल है इसका और ये लोअर लेवल है, और आपको सीक पे क्लिक करने के बाद ही ये सारा सेटअप आपका नज़र आएगा। और इसके अलावा इसमें कुछ खास मंगा नहीं है। और सबसे पहले दोस्तों मैंने सेटअप कर रखा था इसको ऑलरेडी, तो मैं आपको बता दूँ कि इसकी लैंग्वेज कैसे सेट करते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज है ना, पर्सनल और लॉगिन के नीचे यहाँ से आप क्लिक करोगे और पहले चाइनीज लैंग्वेज होती है, उसके बाद आप इसे इंग्लिश पे क्लिक कर सकते हो। और इसकी सेटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिस्टम इमेज में जाओगे, सिस्टम सेटिंग में यहाँ पर इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन पे लगाओगे। जैसे आपने पीसी के साथ इसको थर्मल कैमरे को कनेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर आप सर्च पे क्लिक करोगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद जो भी आईपी एड्रेस यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये लैन केबल के थ्रू चल रहा है, इसमें ना तो यूएसबी पोर्ट है और ना इसमें एचडीएमआई लग रहा है, तो सर्च करने पर यहाँ पर जो भी आईपी एड्रेस आएगा वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ये ओके हो जाएगा, थर्मल कैमरा आपका चलने लगेगा। इसके ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा कुछ आपका बिल्कुल प्रॉपर काम करने का। हालांकि पहले दिन मुझे करने में थोड़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि आईपी पे लैन केबल के थ्रू मैंने पहली बार इसको कनेक्ट किया था तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। तो इसलिए मैंने आपको ये सेटअप पूरा बता दिया है किस तरीके से करना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त करणदीप फ्रॉम फ्लोरामल जोन जलंधर, आज हम सर सनशाइन थर्मल को दिला करी बोला। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त करणदीप फ्रॉम फ्लोरामल जोन जलंधर, आज हम सनशाइन थर्मल करने उसके बाद आपको इसकी
इसको ऑपरेट कैसे करेंगे वो भी बताया जाएगा और वीडियो में हमारे साथ इसके क्या क्या फीचर है वो सारा कुछ है। इसके इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, इसके क्या क्या फीचर है सब कुछ आपको बताया जाएगा वीडियो में। आगे तक हमारे साथ बने रहिएगा, शुरू करते हैं अभी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त करणदीप फ्रॉम फ्लोरा माल जोन जलंधर। आज हम वीडियो को शुरू करने लगे हैं और देखते हैं इसमें से। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त करणदीप फ्रॉम फ्लोरा माल जोन जलंधर। आज हम सनशाइन थर्मल कैमरे TB03 की अनबॉक्सिंग करेंगे। आईफोन भी